क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट म्यूजियम का शिलान्यास किया और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ एचपीसीए के पदाधिकारियों के अलावा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एवं हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। भारत रत्न से सम्मानित मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इसके साथ ही एचपीसीए के डे एकेडमी के खिलाड़ियों से भी भेंट की और उन्हें क्रिकेट के गुर सिखाए। सचिन तेंदुलकर की क्लास को लेकर युवा खिलाड़ियों में खासा जोश देखने को मिला। मास्टर ब्लास्टर ने इसके अलावा धर्मशाला के एचपीसीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे अंडर 19 नेशनल क्रिकेट कैंप में शामिल खिलाड़ियों को भी खेल के गुर सिखाए। उन्होंने कैंप के सायंकालीन सत्र में खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें क्रिकेट की बारीकियों से अवगत करवाया। धर्मशाला पहुंचे क्रिकेट के भगवान की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ मैदान के बाहर मौजूद थी। सचिन जब क्रिकेट म्यूजियम का शिलान्यास करने पहुंचे तो प्रशंसकों ने जोर जोर से उनके नाम पुकारना शुरू कर दिया। सचिन ने अपने प्रशंसकों को नाराज न करते हुए उनके साथ हाथ मिलाया, ऑटोग्राफ दिए और उनके साथ सेल्फियां भी ली। कार्यक्रम के बाद स्टेडियम में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मास्टर ब्लास्टर ने कहा कि वे पहले भी धर्मशाला आ चुके हैं और यहाँ का मौसम व स्टेडियम उन्हें बेहद पसंद है। वे बार बार यहाँ आना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वे यहां आकर बहुत प्रसन्न हैं और धर्मशाला का वातावरण व यहां के खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं मौजूद हैं। सचिन ने धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए अनुराग ठाकुर और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अनुराग की सोच खेल के प्रति बढ़िया है और ये खेल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। मास्टर ब्लास्टर ने कहा कि भारत में क्रिकेट के आधारभूत ढांचे और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय मैदान जैसी सुविधाएं अन्य स्थानों पर भी मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि मास्टर ब्लास्टर का बेटा भी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय कैंप में ट्रेनिंग ले रहा है। ऐसे में सचिन ने कुछ वक्त अपने बेटे के साथ बिताकर उन्हें क्रिकेट की बारीकियां भी सिखाई। I'm delighted to be here and to see this facility. I think it's a fabulous facility for all the youngsters. A big congratulations to Anurag for having that vision. You know, one thing is to have a vision which can take any sport forward. But then the most important thing is to realize that and actually execute your plans. And he's been able to do them beautifully. With a strong support team here, I think the results are very good. Whatever I've seen so far has really pleased me, and I'm very happy to say that a facility like this exists in India. I'm sure with more and more infrastructure getting better and better in India, we'll have many more facilities like this, which is going to eventually help the game and produce world-class cricketers who will make our nation proud, because that is our goal, and we are heading in the right direction. I want to wish him and his team all the very best in producing as many world-class cricketers as possible.